हेलो। हेलो मेहदी, नाजनीन तुम्हारे साथ है? हाँ, नाजनीन मेरे साथ है। अंदर क्यों नहीं आए? कहाँ जा रहे हो? नाजनीन मेरे साथ ही रहेगी। क्या मतलब है नाजनीन मेरे साथ रहेगी? यानी वही जो मैंने कहा, अगर आप जर्मनी जाना चाहती हो तो अकेले चली जाओ, नाजनीन मेरे साथ ही रहेगी। मजाक मत करो, फौरन नाजनीन को घर लेकर आओ। अभी तक मैंने सब्र किया। अगर जर्मनी जाना चाहती हो तो अकेले चली जाओ, समझी? तुम्हें हक नहीं है मेरे साथ ऐसा करने का। जज्बाती लिहाज से भी, कानूनी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी मुझे हक है। रुक जाओ, साथ चलेंगे या फिर अकेली चले जाओ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, सब कुछ ठीक है? डॉक्टर एहसान, जरा सैंपल ले आइए। सलाम 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 सलाम। ये लीजिए। शुक्रिया। हम एनिमल टेस्ट करना चाहते हैं, इसके रिजल्ट से ये पता चल जाएगा कि हम अपने मकसद के कितना करीब हुए हैं। डॉक्टर साहिबा, हम आपके कहने से ये टेस्ट कर तो रहे हैं, जबकि इसके थ्योरेटिकल बेसिक्स हमारे पास बिल्कुल नहीं हैं। डॉक्टर ईरान मनीष, मेरे ख्याल से ये टेस्ट हमारे रिसर्च से ज़्यादा एडवांस है। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर एहसान? हम लोग भी एडवांस हैं। आपने देखा कि हमारे नए एक्सपेरिमेंट में दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट का सही रिजल्ट दिया। मेरे हिसाब से अब हमें डॉक्टर ईरान मनीष पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, भरोसा करते हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा। लिख देना कि भरोसे की बुनियाद पर। नहीं डॉक्टर बारहमी, आप इसकी तमाम डिटेल्स लिखें, मैं बताती हूँ आपको। तो ठीक है, लगभग सभी मान रहे हैं, तो फिर हमें टेस्ट करना चाहिए। काम तो अच्छा चल रहा है। जी, और मुझे पूरा भरोसा भी है। डॉक्टर साहिबा, आपको अपने टेस्ट से कितनी उम्मीद है? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है। तो फिर क्या मतलब है? मतलब यह है कि कुछ लोग सिर्फ अपने सामने का देखते हैं, वो भी बस कुछ दूर तक, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अगर कुछ उल्टा हो जाए तो आदमी टूट जाता है। और भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? कह दिया मैंने। इसके अलावा तो कोई और ख़ास बात नहीं थी ना डॉक्टर? मुझे कुछ पूछना है डॉक्टर एहसान। ये बताइए कि आपने उस दिन जो सबकी तरह ये हामी भर दी कि ये रिसर्च बिल्कुल ठीक है, तो क्या ये सही हुआ डॉक्टर एहसान? आप कहना क्या चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है कि लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसकी थ्योरी का आपकी रिसर्च से कोई ताल्लुक ही ना हो? मेरे ख्याल से पहले उस रिपोर्ट को आ जाना दीजिए, फिर उसके बारे में कोई बात कहना मुनासिब होगा। देखिए, रिपोर्ट्स अहम हैं, मगर ये तरीका नहीं है। डॉक्टर ईरान मनीष को चाहिए कि वो अपनी टीम को कॉन्फिडेंस मिले। मेरे हिसाब से डॉक्टर ईरान मनीष का तरीका जरा डाउटफुल है। फिर भी फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, हमने आज पहला एनिमल टेस्ट भी किया है। तुम्हारी बातें मुझे भरोसा भी दिलाती हैं और फिक्रमंद भी करती हैं। भरोसा तो इसलिए मिलता है कि यकीन बढ़ जाता है मेरा, और फिक्रमंद मैं इस लिहाज से होता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर ईरान मनीष इस प्रोजेक्ट पर कहीं और भी काम कर रही हो। आप क्या सोचती हैं डॉक्टर तारमी, ऐसा कुछ है क्या? मुझे नहीं लगता, मगर कभी कभी ये महसूस होता है जैसे उसकी मदद कहीं से हो रही है, मगर कहां से कैसे नहीं जानती। डॉक्टर ईरान मनीष बहुत क्रिएटिव माइंड है, उनका जहन हम लोगों से तेज चलता है, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज के रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एहसान,
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने सिर्फ अपनी बात कही है, मेरे ख्याल से वो शायद कहीं काम भी नहीं करती है। आप भी ऐसे ही सोचती हैं? जी डॉक्टर साहब। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो जैसा आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। शुक्रिया। आपकी इजाजत है। लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर ईरान मनीष इस प्रोजेक्ट पर कहीं और भी काम कर रही हैं। और अगर यह सच निकला तो हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। हम लोगों का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं इस फैमिली के साथ एक छत के नीचे रहता हूं। शायद इंटरनेट के जरिए किसी के टच में हो। क्या मतलब? अपने ही मुल्क में बाहर? ये मुमकिन नहीं है। सब कुछ हो सकता है, ये भी कि असली रिसर्च पर वहां काम हो रहा हो और उसका कुछ पार्ट यहां हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। मुमकिन नहीं है डॉक्टर साहब। अगर जल्द ही उनका असल काम पता नहीं लगा तो हो सकता है कि हम सब डूब जाएं। इसलिए कशेफी, तुम इसका पता लगाओ। मेरे लिए इस वक्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है कि ये लेडी हमें कहां ले जाना चाहती है। ये पता चल जाए तो सबकी परेशानी दूर हो जाएगी, खासकर तुम्हारी। यानी अगर ये यकीन हो जाए कि सब कुछ ठीक है और इस औरत की कामयाबी के चांसेस कहां तक हैं, तो तुम भी अपनी डेप्यूटेशन पर बाहर जा सकते हो। ऐसे आधे अधूरे काम के साथ तो कुछ नहीं हो सकता है। घर के कागजात का क्या हुआ? उसकी फिक्र ना करें, थोड़ा टाइम लगेगा मगर घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपने ससुर ईरान मनीष जी को राजी कर लूं। जो भी काम करना है वो आज ही रात करना है। लेकिन आज रात तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सच बात तो यह है कि आपने पिछले 6 महीने से मेरे डिपुटेशन के बारे में आजकल इतना टाल मटोल किया कि मेरी वाइफ ने अपना और मेरी बेटी का टिकट खरीद लिया। कल उसकी सुबह फ्लाइट है, मैं मजबूर हो गया और बेटी को अपने साथ ले आया, उसे गायब कर दिया ताकि वो मजबूर हो जाए और अपना प्लान कैंसिल कर दे। मुझे ये इमोशनल कहानियां मत सुनाओ। जितनी जल्दी हो सके घर के कागजात ले आओ, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारी डॉक्टर ईरान मनीष के काम को रोकना होगा। सलाम, प्लीज प्लीज गिव मी योर मैसेज आफ्टर द ट्यून। मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है। नाजिम को कहां ले गए हो बताओ? उसकी दादी के पास ले गए हो? आज मैं फिर गई थी, तुम्हारे बारे में कुछ पता है उन्हें? ये मत सोचो कि मैं अपना सफर कैंसिल कर दूंगी तुम्हारे लिए। मुझे परसों जर्मनी के उस क्लिनिक में पहुंचना है। नाजनीन को ले आए तो ले जाऊंगी, खुद भी आना चाहो तो आ सकते हो, अगर नहीं लाए तो अकेली जाऊंगी, पर फिर कभी तुम्हें देखना पसंद नहीं करूंगी। ये लो अपना मैसेज। अभी सब ठीक चल रहा है, मुझे कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रही। मगर जब तक टेस्ट पूरा ना हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2 दिन बचे हैं और ये 2 दिन हमारे लिए 2 साल की। जैसे ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हम लोग दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, बशर्ते कि नेगेटिव रिपोर्ट ना आए। इसका तो अल्लाह मालिक है। डॉक्टर ईरान मनीष, सलाम। सलाम। डॉक्टर जलार से सुना है कि काम तो सही चल रहा है, बड़ी खुशी हुई, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। ये बताता है कि सब कुछ डॉक्टर जलार की बातों के बरखिलाफ एक बेहतरीन थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। यानी वो प्रॉब्लम जो आपकी रिसर्च में थी वो अब नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब यह है कि आपने अच्छा काम किया जो आपने अपनी पूरी रिसर्च कंपनी के हवाले नहीं की। मेरे हिसाब से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औरत हैं। अगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा हो जाए तो आपकी कंप्लीट रिसर्च पढ़ के मुझे खुशी होगी। शायद हो सके कि मैं कुछ आपके काम आ सकूं। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा जल्दी है, मुझे जाना होगा अभी।
अजीम साहब सलाम। सलाम, हुकुम। मैं ईरान मनीष हूँ, मायदा ईरान मनीष। ठीक है, काम बताइए। मुझे नहीं पहचानते आप? नहीं, जरूरी है पहचानना। आपको याद है हॉस्पिटल पार्किंग में एक एक्सीडेंट हुआ था? आपने एक आदमी की मदद की थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था, आपको याद होना चाहिए। मैं? मैडम, रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने। मुझे यकीन है आप ही थे। आपकी बात पे तो कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं नहीं था। पता नहीं, बड़ी अजीब बात है, बिल्कुल आपका कद, उतने ही लंबे चौड़े, वैसी ही सूरत। मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ, आप अपनी कहे जा रही हैं, मेरी बात तो कुछ सुन नहीं रही है। पता नहीं, हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा एक जैसा, बड़ी अजीब बात है। मैं वहां नहीं था, आपको कंफ्यूजन हो रही है। सलाम डॉक्टर साहिबा। सलाम। अरे तुमसे क्या काम था उसे? उसे मुझसे कोई काम नहीं था, मैंने उसे रोका था। महदी, पता नहीं क्यों मुझे ये वही आदमी लग रहा है जिसे मैंने एक्सीडेंट वाले दिन हॉस्पिटल में देखा था। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, यह आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर जलारी से निकालने वाले हैं, ये दवाओं का स्मगलर है। पैथोलॉजी जाओगी? नहीं, उसके घर जाना चाहती हूँ जिसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक नहीं है। क्यों? मेरे हिसाब से ये जाने का गलत मौका नहीं है। वो उसका भाई जो मुझे धमकियां दे रहा था पिछले कई दिनों से, उसका कुछ पता नहीं है मादी। फिर क्या कोई बुरी बात है कि उसके घर खुद जाके ताजियत पेश करूं, उनकी दिलजोई करूं? शायद मैं उनके पैरालाइज बच्चे के लिए कुछ कर सकूं, समझने की कोशिश करो। मायदा, हो सकता है वो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे। नहीं नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। कब जाना चाहती हो? अभी इसी वक्त। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। अरे तुम जल्दी निकलो यहां से, मैं उसे रोकता हूं। शुक्रिया। देखना क्या हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैदी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। आप भी जो समझ में आता करती हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ऐसा हो जाएगा, थोड़ी मेरी बात भी सुन लिया कीजिए, मुझे अपना काम मालूम है। आप समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि अकेली ना जाएं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या ये लोग नहीं चाहते कि उनका बच्चा ठीक हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहते। आखिर क्यों? हेलो, सलाम मैडम नाहिद, माफ़ कीजिएगा, हमारी बेटी नाजरीन की वजह से आपको जहमत हो रही होगी। खैर, शुक्रिया। सलाम बेटी, खुश रहो बेटी। नाहिद मैडम को परेशान तो नहीं करती? ठीक है ठीक है, खरीद दूंगा, एक दो घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज़। उनको अपनी माँ के घर नहीं ले गए थे? नहीं, अपने एक रिश्तेदार के घर पर रखा हुआ था। क्यों? इसलिए कि अगर वहाँ होती तो मीना उसे 10 बार देखने पहुँचती। इन सब के बावजूद कितनी मुसीबत उठानी पड़ी। ऐसा क्यों कह रहे हो मादी? ना कहूँ, अच्छा हो जाएगा ना। मुझे उस वक्त सुकून मिलेगा जब इस प्रोजेक्ट से मुझे छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर साहिबा, घर बेच दिया ताकि बाहर चला जाऊँ, ससुराल में जाकर रहने लगा, दोनों तरफ से गया। देखो, तुम खुद ही कह रहे थे ना कि सब कुछ इस प्रोजेक्ट पर डिपेंड है। इत्मीनान रखो, इस प्रोजेक्ट का सब कुछ बढ़िया होने वाला है। इस नामुकम्मल रिसर्च का क्या मालूम क्या होगा? मेरी रिसर्च कम्प्लीट है। कैसे कैसे बताऊं,
तुम्हारा ख्याल भी बिल्कुल सही था, इसलिए कि इस रिसर्च का कुछ हिस्सा हटा दिया गया था मादी। क्या मतलब? जानबूझ के हटा दी गई थी? नहीं, देखो अगर वादा करो कि किसी से नहीं कहोगे तो तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ कि क्या हुआ था। क्या बताओगी? तुमने सोचा नहीं कि क्यों डॉक्टर सदरा ने दोबारा इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कबूल कर ली? इसलिए कि उन्हें सब मालूम था। उसके एक पार्ट को मेरे पापा ने हटा दिया था लेकिन फिर मुझे दे दिया वापस। तो तुम इन चीजों को मुझे क्यों नहीं बताती? डॉक्टर जलायर से काम है। बोलो क्या खबर है? सलाम डॉक्टर साहब, मैंने चाहा कि आपकी फिक्र दूर कर दूं। ना किसी के लिए काम करती हैं ना किसी से ताल्लुक है। हाँ बस एक बात है कि उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च नहीं दी थी डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों? बताऊंगा आपको। कोई बात हुई है डॉक्टर साहब? नहीं, यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हालचाल पूछता चलूं बस। चलता हूं। हाँ टैक्सी है। टैक्सी? हाँ, क्या आपने टैक्सी नहीं मंगाई थी एयरपोर्ट के लिए? मेरे लिए आई है। क्या मतलब? जा रही हूँ ना मैं। मत जाओ, अंदर आ जाओ। पापा मुझे चले जाना चाहिए था, अब जा रही हूँ। बगैर शोहर और बच्चों के? महदी को सबक सिखाना है ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। उससे कहिएगा मीना चली गई। मीना? हेलो महदी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मीना अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकली है। हाँ बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं सका। तुम जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचो और किसी भी तरह उसे वापस ले लो। सलाम। मीना चली गई। चली गई? क्या मतलब चली गई? क्या हुआ? मीना चली गई। चली गई? महदी? उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं मानी। सलाम। सलाम, यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हो गया है। क्या हो गया? हमारा खरगोश मर गया। क्या? मर गया। कल दोपहर तक तो ठीक था, ब्लीडिंग भी नहीं हुई थी, फिर कैसे मर गया? आप कल की बात कर रही हैं, अभी एक घंटा पहले तक ये जिंदा था।
समझ में नहीं आता, मेरा मतलब उसे मरना नहीं चाहिए था, हमसे कहां गलती हो गई? एक एक चीज चेक करें शुरू से आखिर तक। हाँ, हमें कुछ करना होगा। मेरे ख्याल से पार्टनर्स को बुला लें, उनसे मशवरा करके खरगोश को पैथोलॉजी लैब भेज दिया जाए, टेस्ट से सब मालूम हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। रुक जाओ, देखो कोई जानने ना पाए कि खरगोश मर गया है डॉक्टर एहसान। क्यों क्यों ना बताया जाए, अभी सब आएंगे और सब जान जाएंगे। आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर? देखो डॉक्टर एहसान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर एक आदमी भी मेरे और तुम्हारे अलावा ये बात जान गया तो प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। यकीन करो आज ही शाम तक हर जगह शोर मच जाएगा कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। हमें किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए। उधर हटो। तो आखिर क्या करें? इस तरह से तो ये काम नहीं किया जा सकता। हमारा ये टेस्ट वाला काम या तो एक कंप्लीट थ्योरी के हिसाब से है या नहीं है। अगर है तो एक्सपेरिमेंट में गलतियां तो होती ही हैं। अगर नहीं है तो हम बिला वजह टाइम बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर जलायर ने कई बार मुझसे यहाँ की रिपोर्ट मांगी है। मैंने हमेशा कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर अब की बार उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बात है तारी में? कहाँ आ रही हो? नहीं नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। ओके, ये क्या कर रही हैं आप? इसे बदल देंगे। इस तरह हम लोग और बुरे फंसेंगे। मैं आपके इस काम से एग्रीड नहीं हूँ। ये काम गलत है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? तुमने उस बार नहीं देखा वो लोग प्रोजेक्ट को खत्म किए दे रहे थे? मैं नहीं चाहती फिर ऐसा कुछ हो जाए। वो सब के सब समझ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हमें अपने काम को सही साबित करना है। इस तरह से साबित करेंगे आप मरे हुए खरगोश को बदलने से? तुम्हें अपने सही काम पर यकीन नहीं है क्या? यकीन है, मगर मैडम आपका ये तरीका ठीक नहीं है। अजर है। बोलो नहीं। बोलो नहीं, टाइम बर्बाद मत करो, जाओ एक सैंपल फ्रिज में से ले आओ। सब समझ जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। हमें एक मौका मिलना चाहिए ताकि हम सोच सके डॉक्टर। यकीन करो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मेरा साथ दो, प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता। अंदर रख दो। रजा, रजा, रजा। हाँ। सलाम। सलाम, तुम यहाँ पर हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुमने फोन किया था? हाँ। अरे सही कह रही हो, लेकिन बेल क्यों नहीं बजी? बेल बजी थी पर तुमने ध्यान नहीं दिया। आज के टेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि आज क्या होगा। सलाम। 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 ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारी दवा ने सही काम किया है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी दवा उसे ठीक ठाक ना रखे? ठीक रखना चाहिए था, मगर ऐसा ही नहीं कि कोई रिएक्शन ना हो। इसकी सेहत पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा है। हमें ऑटोप्सी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या असर पड़ता है। मैंने ठीक कहा डॉक्टर साहिबा? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे ख्याल से हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं, मगर उसकी सर्जरी एक दो दिन बाद की जाएगी। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? वैसे ही बस, मेरा मतलब हम लोग रूटीन के हिसाब से अपने टेस्ट कर सकते हैं, मगर सर्जरी एक दो दिन बाद कर लेंगे। फिलहाल तो हम ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर साहिबा किसी चीज़ से परेशान है। मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रोग्राम में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं चाहूंगी। मेरा ख्याल है डॉक्टर एहसान, डॉक्टर बैरामी और डॉक्टर शबाब भी ऐसा ही चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, चलें फिर शुरू किया जाए। देखा आपने डॉक्टर साहिबा, सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तुम ऐसे हो जाओ जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लूंगी,
फिक्र मत करो तुम। मरे हुए खरगोश से क्या करना चाहती हैं? जितनी जल्दी हो सके उसे गायब कर दें। यहाँ तो नहीं हो पाएगा, इस तरह सब लोग समझ जाएंगे, बात बढ़ जाएगी। रेजा आया। रेजा तुम जाओ, मैं कुछ करती हूँ। शुक्रिया अब तक साथ देने का, बाकी अल्लाह मालिक है। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। सलाम। बहुत अच्छे। अगर एक गैस और फ्रिज भी ले आओ और एक कोने में रख दो तो एक कंप्लीट फ्लैट हो जाएगा। मैं क्या बताऊं, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। खुद तुम्हारी गलती है। अगर अपनी सिस्टर इन लॉ के मामलात हल कर लिए होते तो आज ये हालात ना होते। तुम खुद भी सुकून से रहते और हम लोगों को भी ये दिन ना देखने पड़ते। तुमने गड़बड़ की, इसीलिए ये नौबत आ गई। क्या गड़बड़ की मैंने डॉक्टर साहब? वैसे बेवकूफ नहीं हो काशेफी, लेकिन चालाक भी नहीं हो। मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ और ईरान मनीष के काम पर नजर रखो कि वो क्या कर रही है, वो हमारे साथ क्या करना चाहती है। एक लम्हा भी उससे गाफिल ना रहो। और तुमने आखिर किया क्या? अपने ससुराल वालों से और अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया और घर से बेघर हो गए। वाह, क्या करूं, आदमी अगर जबान दे और वो काम ना कर पाए तो उसके पास क्या रह जाएगा कहने के लिए? सब चुका दूंगा, जरा रुक जाओ, इस तूफान से बाहर आ जाए, मैं चुकता कर दूंगा। ये बताओ कि वो क्या मामला था कि तुम उस एक्सीडेंट में मरने वाले के घर पर गए थे? आपको कैसे पता? तुम सोचते हो कि मैं अपने कैबिन से बाहर नहीं आता तो मुझे कुछ नहीं पता। गए थे ताकि वो माफ करते? कैसी माफी? मैं अपनी फिक्रों में था, मैंने सोचा कि डॉक्टर ईरान मनीष आए हैं, हम वाइफ और हस्बैंड का मसला सुलझाने। मैं क्या कर सकता था, थोड़ी देर में हम हाईवे पर थे। तुम भी गए थे? मैंने बहुत कोशिश की कि उनका इरादा कैंसिल कर दूं, साथ गया ताकि मामला और खराब ना हो जाए। वो आदमी बिल्कुल वैशी है। तो तुम डॉक्टर ईरान मनीष को ले गए वहां कि वो लोग उन्हें मार डालें? तुम्हें तो मालूम है ना डॉक्टर ईरान मनीष हमें कितनी महंगी पड़ी हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उन्हें छुड़ाने की सिक्योरिटी मनी दी है मैंने? कोर्ट की सब प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक मुझसे है। मैं ये सब कुछ सवाब के लिए नहीं कर रहा हूं। कुछ दिया है ताकि कुछ ले सकूं। और याद रखो, आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम इन सब चक्करों में पड़े। कोई भी तुम में से आइंदा उधर दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके सर। और ये डॉक्टर ईरान मनीष जो हमारी बहुत एहसानमंद हैं और जिन्होंने हमारे साथ अग्रीमेंट भी कर लिया है, मुझे लगता है हमारे साथ लुकने छुपने का खेल खेल रही हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि यह हमारी कंपनी के लिए काम कर रही हैं। अगर वो कोशिश करें और वो लोग माफ भी कर दें तो मुझे यकीन है कि गेम पलट जाएगा। उस फैमिली की परेशानी, सिक्योरिटी मनी और बदला लेने की दरखास्त, ये सब हमारे फेवर में है मिस्टर कशेफी। जब तक ये सब हैं हम डॉक्टर ईरान मनीष पर अपना प्रेशर और बढ़ा सकते हैं, वरना हर तरफ से हमारी ही हार होगी। मिस्टर काशिफी समझ रहे हो या फिर समझाऊं? और हां, जमानत के कागजात का क्या हुआ? इन हालात में तो कुछ नहीं हो सकता। अब का क्या मतलब है? इस तरह ना तुम मेरे लिए काम कर सकते हो और ना ही अपने लिए, समझ रहे हो? इसलिए आज रात अपने बच्चे के साथ जाओ और माफी मांगो। कहो बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बैठो बात करो और कागजात ले आओ। याद रखो कि अगर
दो दिन में कागजात न ला सके तो फिर तुम खुद भी यहां मेरे पास मत आना। माफ कीजिएगा, मुझे एक काम है, जाना पड़ेगा मुझे अभी। डॉक्टर साहिबा जा रही हैं, हम लोग टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। फोन आया है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, घर जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी मैं। डॉक्टर देखेंगे नहीं कि रिपोर्ट का क्या हुआ? क्यों नहीं, फोन पे एक एक पल की खबर लेती रहूंगी। जी सलाम डॉक्टर एहसान, जहमत के लिए माफ़ी। डॉक्टर ईरान मनीष से बात हो सकती है? सलाम जनाब काशवी, वो अभी थोड़ी देर पहले घर चली गई। ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। बेटी अपना सामान जमा कर लो और खाला के साथ चली जाओ, ठीक है? डॉक्टर साहिबा जरा आहिस्ता। बेटे जल्दी चलो, घर जा रही हैं। क्यों क्या हुआ? मैंने कहा अगर घर जा रही हैं तो नाज़रीन को भी साथ लेती जाएं, यहाँ बोर हो जाएगी। अच्छा आओ बेटी, घर तो नहीं जा रही हूँ मगर हाँ घर के सामने उतार दूंगी। ठीक है शुक्रिया, खाला को परेशान मत करना, बैठो बेटी बैठो, सीट बेल्ट बांध लो, ये रख लो। ओह तुम्हें खुदा का वास्ता, ये प्रोजेक्ट किसी मंजिल तक पहुँचा दो, कम से कम डॉक्टर जलार का दिल मुतमईन हो जाए, मुझे भी इस केस से छुट्टी मिल जाए। ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी। सीट बेल्ट बांध लो, मैं शाम को खाना लेके आऊंगा। ठीक है खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मैडम आप जा रही हैं? जी हाँ। खरगोश है? खरगोश नहीं, बिटिया के खिलौने हैं। अच्छा अच्छा जाइए। डॉक्टर साहब आपका फोन आ रहा है। जानता हूँ। क्यों नहीं उठा रहे हो? डॉक्टर ईरान मनीष होंगी, पूछेंगी टेस्ट का क्या हुआ। अगर इतना ही अहम था तो गई क्यों? बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब है? तुम कुछ समझे नहीं? नहीं क्यों क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं सब कुछ नॉर्मल है, देख रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? यही अब नॉर्मल है, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। देखो देखो जैसे लगता ही नहीं कि इस सैंपल को कोई इंजेक्शन दिया गया हो, इसके तो खून में फैक्टर 8 का कोई असर ही नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इंजेक्शन तो कई दिन पहले दिया गया था। ठीक है, या असर नहीं है या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। फिर क्या हो सकता है? आपको यकीन है आपने सही खरगोश को चुना है?
मेरे हिसाब से तो खरगोश की सर्जरी करनी चाहिए। इसके जिस्म पर पड़ने वाले असर का भी पता लगना चाहिए, और इंजेक्शन से कोई असर ना हुआ तो। जरूरत नहीं है। क्यों? बहुत जरूरी है, हमें जानना चाहिए कि इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हुआ। हम बजाय इसके अपना टाइम बर्बाद करें, दूसरा टेस्ट करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं डॉक्टर तारमी से बिल्कुल एग्री हूँ, सर्जरी होनी चाहिए। जरूरत नहीं है, जब हमारा पहला टेस्ट ही कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है तो दूसरा टेस्ट क्यों करें? हमें देखना है प्रॉब्लम कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि दूसरा टेस्ट करना चाहिए। सलाम, मिस पेमन है क्या? हाँ, पैथोलॉजी में है, बैठिए। शुक्रिया। मैं कुछ भूल आई हूँ, अभी आती हूँ मैं वापस। ठीक है। सलाम डॉक्टर पेमन, माफ़ कीजिएगा, एक काम था आपसे, अगर हो सके तो ज़रा फिजियोथेरेपी वार्ड में आ जाइए, क्या आ सकते हैं आप? मुझे आपसे बहुत अहम काम है। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, परेशान ना होइए। क्यों, यहाँ पर क्यों, मेरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आई? मैं नहीं चाहती थी और डॉक्टर्स मुझे देख लें, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है डॉक्टर। कोई बात हो गई क्या? हाँ भी और नहीं भी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बहरहाल काम बताएं, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। प्लीज़ मेरी सिफारिश अपनी बहन मैडम पेमन से कर दीजिए, मेरा यकीन करें, मैं नहीं चाहती थी कि आपको और उन्हें जहमत दूँ, मगर बहरहाल नहीं हो सका, इस वक्त भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। काम क्या है आपका? वो जो खरगोश था वो मर गया। कौन सा खरगोश? इजाद वाला? क्या बीमार था? हाँ, वही खरगोश जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी वो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या चाह रही हैं। हाँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ये काम मेरे लिए कितना अहम है, मेरी इज्जत आबरू दोनों दांव पर हैं डॉक्टर साहब, प्लीज़।